हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे एंटी स्टैटिक मार्क सेटिंग की कुछ बेसिक सेटिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एंटी स्टैटिक मार्क की कुछ बेसिक सेटिंगें। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर फिलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी सेटिंग दी हुई है ये अदर में काम करेगी और ये जो पूरी सेटिंग दी हुई है ये फिलिंग में काम करेगी। अब अदर में और फिलिंग में कैसे काम करेगी? तो अदर स्टाप में जो भी मशीन बंद होगी, अदर स्टाप में जैसे हो जाता है आपका वार्प, बाबिन ब्रेक, हैंड स्टाप या इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, इन कारणों से यदि मशीन बंद होती है तो आपकी ये सेटिंग काम करेगी। और फिलिंग में यदि मशीन बंद होती है और चालू करते हैं तो आपकी ये सेटिंग मशीन बंद होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं फिलिंग के बारे में। तो ये यहाँ से आपके बीच में लाइन खींची हुई दिख रही है, ये यहाँ पर स्टाप की है और ये स्टार्ट की है, यानी फिलिंग में ये स्टार्ट करने पर ये पोजीशन काम करेगी और अदर में स्टार्ट करने पर ये पोजीशन काम करेगी। फिलिंग में बंद होने पर ये सेटिंग काम करेगी और अदर में बंद होने पर ये सेटिंग काम करेगी, ये हमको जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाप, यानी फिलिंग में। फिलिंग में यदि मशीन बंद होता है तो यहाँ पर जो ब्रेक एंगल होता है वो 250 डिग्री से भी चालू होगा, क्योंकि हमने 250 दिया हुआ, ये भी हमने अदर में भी दिया हुआ, तो अदर में भी वैसे काम करेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं पीएफ मोड में। जब फीलिंग में मशीन बंद होगी तो ये पीएफ दिया हुआ है, ये पीएफ हमने दिया हुआ है, तो पीएफ मोड में मशीन बंद होगी। पीएफ मोड का मतलब होता है कि सेट खुल जाएगा, सेट ओपन हो जाएगा, ताकि हम आराम से फीलिंग को निकाल सकें। लेकिन यदि अदर स्टाफ में मशीन बंद होगी तो यहाँ पर लेवलिंग मोड में दिया हुआ है, तो यहाँ पर मशीन लेबल हो जाएगी अदर स्टाफ में, ये हमको समझना है, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है AMP। AMP का मतलब होता है ऑटोमेटिक मोशन पोजीशन, यानी जब भी मशीन फीलिंग में बंद होगी तो ये 90 डिग्री पे खड़ी होगी। सेट तो ओपन होगा, ये सेट को ओपन का हमने मोड डाल के रखा है, लेकिन डिग्री कितने में खड़ी होगी? वो 90 डिग्री में खड़ी होगी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 डिग्री में खड़ी होगी। लेकिन अदर स्टाप में जब होगा तो अदर स्टाप में मशीन लेबलिंग तो होगी, लेकिन बंद तो होगी लेबलिंग में, लेकिन कितने डिग्री में खड़ी होगी? तो यहाँ हमने 290 दे के रखा है, तो ये 290 डिग्री पे मशीन खड़ी हो जाएगी और लेबलिंग पे खड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। ये अभी हमने तो स्टाफ के बारे में समझा, अब स्टार्ट के बारे में समझते हैं। तो ये यहाँ पर पीएफ मोड में दिया हुआ था, तो पीएफ मोड तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ भी, तो वो तो उसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन जब हम मशीन को चालू करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ASP। ASP का मतलब होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट पोजीशन, यानी जब मशीन को फीलिंग में मशीन बंद थी और अब हम उसको चालू कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्टार्ट पोजीशन में 45 डिग्री पे आएगी मशीन, यानी उसकी रीड जो है 45 डिग्री तक आएगी और इसके बाद मशीन चलेगी। तो ये होता है स्टार्ट करने का टाइमिंग, यानी मशीन इतने डिग्री से स्टार्ट होगी। इसको हम कम ज़्यादा या जब एंटी स्टार्टिंग मार्क या स्टार्टिंग मार्क अटेंड करते हैं तो ये सेटिंगों को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ तक हमने समझा। इसके बाद ये हमने समझ लिया कि 45 डिग्री में आके मशीन चालू होगी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ASO। ASO का मतलब होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफसेट। यहाँ पर हमने देखा था कि ऑटोमेटिक स्टार्ट पोजीशन, ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि यदि आप दौड़ रहे हो और अचानक आपको खड़ा कर दिया जाए तो क्या करोगे? आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे, ठीक है ना। इसी तरह मशीन में भी होता है, जब मशीन एकाएक बंद होती है तो वो थोड़ा सा आगे चली जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर -1 डाल के रखते हैं ताकि जो कपड़ा आगे आ गया है वो
उतना पीछे चला जाए। तो यानी एक पिक माइनस हमने डाल कर रखा है तो यहाँ पर कपड़ा एक पिक पीछे चला जाएगा, ये इसका मतलब होता है, ये आप समझ गए होंगे। जब एंटी स्टार्टिंग मार्क या स्टार्टिंग मार्क अटेंड करते हैं तो इनको हम चेंज कर देते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार से कपड़ा चेक करके, ठीक है ना। यही पोजीशन हमारी वार्प में भी होती है। यहाँ पी अप मोड तो ऑलरेडी हमने दे के रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 320, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ऑटोमेटिक स्टार्ट पोजीशन। जब मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट पोजीशन में आएगी तो वार्प में जब बंद रहेगी तो ये सेटिंग काम करेगी, यानी मशीन कितने डिग्री पे आएगी, 320 डिग्री पे, और इसके बाद चलेगी, ठीक है ना। और इसके बाद ये ASO लिखा हुआ ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफसेट। ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफसेट का मतलब अभी हमने यहाँ समझाया कि यहाँ भी वही काम करेगा कि -1 दिया हुआ है तो ये माइनस यानी एक पिक कपड़ा पीछे जाएगा, यानी कपड़ा चलती मशीन में जब रुकती है तो पिक आता, हमको दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। तो यहाँ पर एक पिक माइनस में डाला हुआ है या डाल देते हैं तो ये एक पिक पीछे जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है 90। अब यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पिक फाइंडिंग रिवर्स लिखा हुआ है, PPPFR यानी पिक फाइंडिंग रिवर्स, और यहाँ पे भी 90 लिखा हुआ है। तो यहाँ दोनों सेम रहना चाहिए, सेम इसलिए रहना चाहिए ताकि अगर मशीन जब फिलिंग आएगी तो इस डिग्री में खड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर जो डाला रहेगा जब आप पिक फाइंडिंग की बटन दबाएंगे तो इस डिग्री पे आ जाएगी, और यहाँ पर जो मोड डाला रहेगा वो मोड काम करेगा पिक फाइंडिंग की बटन, ये बटन का चिन्ह बना हुआ है। तो जब मशीन तो जब फिलिंग आएगी तो खड़ी तो इस पोजीशन में होगी, लेकिन जैसे ही आप यदि पिक फाइंडिंग का बटन दबा देते हैं तो वो सेटिंग ना काम करके फिर ये सेटिंग काम करती है। तो यहाँ पर ये सेटिंग दोनों सेम रहना चाहिए, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ रीसेट। रीसेट का मतलब ये होता है कि जैसे आप अब रीसेट कर देते हैं तो जो यहाँ पर मैनुअल सेटिंग डाल के रखा है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी, यानी कंपनी की जो सेटिंग डली हुई होती है वो सेटिंग आ जाएगी, इसका मतलब ये होता है। इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसका अभी मैं पार्ट 2 बनाऊँगा कि एंटी स्टार्टिंग मार्क कैसे अटेंड करते हैं। अभी आपको मैं WLC के बारे में बताऊँगा, इसके बारे में बताऊँगा, तो ये सब जानकारी मैं आपको देती रहूँगा। तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही बिगनल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।